हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एप्रेनर। इस वीडियो में आपको पीट्रॉन बेस बड्स एपिक ईयरबड्स की ऑल टच फीचर्स दिखाने वाले हैं कि सिंगल टच पे क्या होता है, डबल टच पे क्या होता है, कौन सा म्यूजिक प्लेयर में नेक्स्ट फॉरवर्ड का, वो सब दिखाऊंगा। तो इसी बॉक्स में आपको एक कार्ड देखने को मिला होगा जहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलता है। इधर से आप स्कैन करके डायरेक्ट एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाओगे, मैनुअल जहाँ पे लिखा है सब कुछ, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको नहीं करना तो आप वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे, सबको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है इस फोन से और अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले आपको कॉलिंग फीचर्स के बारे में बता देते हैं। बात करते समय अगर आपको कॉल काटना है तो सिंपली आप टच कर दीजिएगा कौन सा भी बार पे, तो आपका जो है कॉल कट हो जाएगा। और जब आपका कॉल आएगा, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो बस आप जो है टच एंड होल्ड कीजिएगा 2-3 सेकंड के लिए, तो आपका जो है कॉल रिजेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और कॉल रिसीव करने के लिए आप कौन सा भी बटन से बस टच कीजिएगा तो आपका जो है कॉल रिसीव हो जाएगा। ओके, अभी बात करते हैं म्यूजिक प्लेयर में। अगर आप जब गाना सुनेंगे तब आप कौन सा फीचर्स यूज करेंगे ताकि गाना प्ले पॉज हो। ज़्यादातर लोग यूट्यूब से गाना सुनते हैं, तो मैं यूट्यूब में चला रहा हूँ, आपका जियो सावन या फिर गाना पे भी काम करेगा। टच करेंगे कौन सा भी बर्ड्स पे क्यों ना हो, टच करने से आपका गाना जो है प्ले होगा, फिर से टच कीजिएगा तो पॉज होगा। तो ये सब काम करेगा आपका टच फीचर्स में। गाना सुनते टाइम अगर आपको नेक्स्ट गाना ले जाना है तो आप राइट बर्ड पे 2 बार टच कीजिएगा तो आपका गाना जो है नेक्स्ट हो जाएगा। आप फिर से टच कीजिएगा तो फिर से नेक्स्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट गाने से प्रीवियस गाने में, मतलब कि पिछले गाने में अगर आपको आना है तो लेफ्ट बर्ड में आप 2 बार टच कीजिएगा तो आपका जो है पिछले गाने से प्रीवियस में आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से एप्पल फ़ोन है या फिर एंड्रॉयड है, तो अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों बर्ड्स में आप कौन सा भी बर्ड्स पे जो है टच करके रखिएगा 2 सेकंड के लिए, तो एक बीप साउंड आएगा और आपका जो है गूगल असिस्टेंट जो है ऑन हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से, फिर से दिखाता हूँ, दोनों बार में से आप कौन सा भी बार में 2-3 सेकंड के लिए ही बस आप टच एंड होल्ड कीजिएगा, एक बीप साउंड आएगा, उसके बाद आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। और एप्पल फोन है तो वहाँ पे आपका सीरी ऑन होगा। और 3 बार टच करने से आप जो है म्यूजिक मोड से गेम मोड में आएंगे ताकि आप जो है लो लेटेंसी का फायदा उठा सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है कौन सा भी बर्ड्स पे 3 बार टच करना होगा, उसके बाद आपको जो है गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड ऑन होगा। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए 1, 2, 3। तो ये आपका जो है गेम मोड ऑन हुआ, फिर से आप टच कीजिएगा 3 बार तो आपका म्यूजिक मोड फिर से वापस आ जाएगा, मतलब कि नॉर्मल मोड में। ये दोनों बार में ही सेम काम करता है। फीचर नहीं है जैसे कि आपका वॉल्यूम अप करने का, डाउन करने का फीचर नहीं है इसमें, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है तो आपको फ़ोन से करना होगा। और इसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, बस आपको टच एंड होल्ड करना होगा 5 सेकंड के लिए दोनों बार्ड्स में। तो देखिए पावर ऑफ हो चुका है, इधर भी से आपका भी चला गया है। और आप टच एंड होल्ड करके ही आप इसका पावर ऑन कर पाओगे। अगर आप केस में नहीं डालना चाहते तो आप टच एंड होल्ड करके ही इसका जो है पावर ऑन कर पाओगे। तो 5 सेकंड से टच एंड होल्ड करके आप जो है पावर ऑफ और पावर ऑन कर पाओगे। ये देख सकते हो कि ये पावर ऑन हो चुका है और एक कनेक्ट भी हो चुका है इसके साथ। और अगर आपको जो है इस तरह से पावर ऑफ नहीं करना तो आप डायरेक्ट केस में डाल दीजिएगा तो आपका जो है पावर ऑफ हो जाएगा। तो ये दोनों फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है।